Good morning. So I, on behalf of Export Professional Academy, I welcome Mr. Yagnesh Patel for today's guest session. Taale vajavle tari chaltil. Okay. I have invited him specially from Gujarat. He hails from Surat, and I'm very proud to say that he is my student. And today he knows much more than me as far as this area of technical analysis is concerned. But I remember him as a student almost 6-7 years back, maybe more than that, when he had come to me and he had said that, "Madam, please tell something about stock market." And we used to discuss every day, maybe half an hour, 45 minutes about stock market. And he said, that's how I started to like this area of stock markets. And mujhe bhi aise laga nahi tha ki kabhi kisi ko aise in general bata dungi. And some person will make an entire career in this field. And aise koi aisa chota mota career nahi. He is a regular guest speaker at CNBC Awaaz. And every week he comes there for technical analysis. अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है क्या नहीं, आई गेस ही इज अ बेटर पर्सन टू स्पीक अबाउट. ही हैज ऑल्सो स्टार्टेड हिज ओन प्रोप्राइटरी कंसर्न नेम्ड जस्ट मनी केयर. एंड आई थिंक ही हैज गेन्ड अ लॉट, ही हैज अचीव्ड अ लॉट इन दिस शॉर्ट स्पैन. सो टुडे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव हिम हियर. एंड आई होप इन दिस नेक्स्ट वन एंड हाफ आवर यू विल बी एबल टू गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑन एग्जैक्टली वॉट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ वी कैन यूज दिस for our trading and investing decisions, right? So without wasting a lot of time, I hand over the mic to Yagnesh. Good morning, all of you. And first of all, I am very thankful to Mrs. Rachna, Madam, jinhone mere ko opportunity diya yahan pe aaj platform pe, jahan pe main young blood ke saath ek interact kar saku, jo ek area hai technical analysis. To kin log excited ho aaj ke session ke liye? Raise your hand. See, my hand is always up in area of technical analysis and trading, investing. So that's good ke aaj early morning aap yahan pe aaye ho, jo kaafi log nahi kar pate. So first of all, clap for yourself. Theek hai? So today's topic is basic technical analysis, jahan pe mera career ka shuruaat, jaise madam ne bataya ke kahan se start hua tha. बट वॉट वॉज द किक पॉइंट फॉर मी, जिसको मैं बोलता हूँ आहा मोमेंट. एवरी वन हैज और होना ही चाहिए एक किक पॉइंट. तो मेरा था जब आई वॉज इन पुणे एंड डूइंग जो वन जॉब इन सम पब्लिकेशन हाउस, तो वहां पर मेरा इंटरव्यू कनेक्ट हुआ. मेरा छोटा सा स्टोरी है 2 मिनट का, जहां से मेरा करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ वो मैं बताना चाहूंगा. तो जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट थे, रिसर्च के हेड थे, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू कंडक्ट किया. उसके बाद मेरे को बताया कि देखे इस तरह प्राइस मूवमेंट को एक कैच कर सकते हैं. सो दैट वाज वेरी समथिंग न्यू फॉर मी. एंड उन्होंने वो लाइव मार्केट में करके दिखाया मेरे को. सो जहाँ से स्टॉक का प्राइस उन्होंने बताया वहाँ से बढ़ा 5-10 पॉइंट्स ऊपर बढ़ा, और वहीं पर जहाँ पे उन्होंने बोला वहाँ पे अटक भी गया बढ़ना. सो वो थ्रिल कर गया मेरे को, हाउ इज इट पॉसिबल एक्चुअली. तो फिर उन्होंने बनाए काफ़ी, उन्होंने उनके पास काफ़ी सीखने को मिला, तभी मैंने डिसाइड किया ऐसे कि मेरा करियर में मैं यही करूँगा कुछ भी हो जाए. और काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी साल लगे, बीइंग फ्रॉम टेक्निकल एनालिस्ट बेसिक्स टू एडवांस एंड देन नाउ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड मैनेजेस मैनी क्लाइंट्स फंड एज वेल. तो ये था मेरा स्टोरी छोटा सा. उसके बाद आपको छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा कि आई कम्स रेगुलरली ऑन वेरियस चैनल्स, CNBC, बाजार, रीजनल, GTPLs, गुजराती चैनल्स, ऑल इन सूरत एरिया एक्चुअली जहाँ पे मैं रहता हूँ. उसके बाद टॉप ट्रेड्स करके CNBC बाजार और मैं काफ़ी एक इवेंट होता है, कंपटीशन होता है अमंग टेक्निकल एनालिस्ट, वहाँ पर मैं काफ़ी बार वॉन हुआ हूँ. पब्लिक सेमिनार्स मैंने काफ़ी सारे कंडक्ट किए हुए इन इंडिया, इन सूरत एंड आउट ऑफ सूरत ऑल्सो किए हुए, और वन ऑफ दीज इन पुणे टूडे. लास्ट ईयर हमने टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग स्टार्ट किया था. काफ़ी एक रिक्वायरमेंट्स थी कि आप चालू कीजिए पढ़ाना, तो वहाँ पे भी एक साल कंप्लीट होने का आया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे 5 से 6 बैच एक साल के अंदर कंप्लीट हुए हैं, जहाँ पे एक्चुअली ट्रेडर्स जो रहते हैं मार्केट में वो सीखते हैं और लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं. और आज मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट भी आया है, यंगेस्ट स्टूडेंट,
जिसका जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं था मार्केट में, उसने पर्सनल कोचिंग लिया साथ में, और उसके बाद आज वो खुद ट्रेडिंग कर सकता है इन इक्विटीज, एफएनडोज और कमोडिटीज में, रियल मनी के साथ, नॉट अ वर्चुअल मनी. सो इट इज डूएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डूएबल, करेक्ट? हाउ मेनी हैव डाउट्स के मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? सर मेरे को था एक टाइम पे, ठीक है, डाउट्स है, होने ही चाहिए, नहीं तो रास्ता कठिन नहीं होगा तो सफलता भी अच्छे से मिलेगी नहीं, होने भी चाहिए. आज दूर करने की कोशिश करेंगे जो भी डाउट्स है वो, ठीक है, और इन बिटवीन भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो. इट विल बी ए इंटरेक्शन सेशन, नॉट अ वन वे सेशन. सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ माई ट्रेनिंग. सो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि वाई रिसर्च. अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हो तो रिसर्च सुना होगा कि रिसर्च करके आप शेयर लीजिए. सुना है? यस और नो? सुना है? तो इम्पोर्टेंस है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ये लोग न्यूज आ जाता है ना, इधर उधर हो जाता है, तो रिसर्च का क्या मतलब है फिर, क्या करने का क्या जरूरत है, ऐसा डाउट आता है क्या? क्योंकि कुछ भी हो जाता है. कल देखिए, कर्सों का मार्केट देखिए, फॉरेन मार्केट्स अपसाइड होते हैं तो हमारे मार्केट नीचे खुलते हैं, और हमारा उम्मीद होता है कि हम भी उनके साथ अच्छे से शुरुआत करें अपने मार्केट की. तो ये इज इट रेलेवेंट कि रिसर्च करना चाहिए? यस, करना चाहिए, जरूरी है. मगर हो तो नहीं रहा मार्केट में, तो हमको रिजल्ट्स अलग ही मिल रहे कुछ, तो सही में लगता है कि रिसर्च इज इम्पोर्टेंट और कुछ काम आएगा? कुछ कुछ स्टॉक्स के है जो फंडामेंटली कुछ कुछ चीजें पता नहीं चल पाती हमको, तो वो तो रिसर्च में हम नहीं लगा, पता नहीं लगा पाए, तो फिर क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आज आपको एक स्मार्टफोन या टैबलेट खरीदना है, तो आप पहला क्या क्या करोगे? सबसे पहले एनीवन? ऑनलाइन चेक करेंगे सब. उसमें से आप पहले कुछ तो ब्रांड सिलेक्ट करोगे और उसमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे. फिर आजकल तो बहुत सारे अवेलेबिलिटी है कि अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर हम प्राइस भी चेक कर लेंगे उनके, ठीक है. क्या हुआ, ये वन टाइम ऑफ रिसर्च हुआ आपका जो भी प्रोडक्ट के लिए बारे में, तो और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा डेप्रिशिएट ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम. यू नो बींग सीए एंड स्टूडेंट आपको ये पता ही होगा, एप्रिशिएशन एसेट और डेप्रिशिएशन एसेट, करेक्ट. और जब बारी आती है शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं ना हमारा जो ब्रोकर या एडवाइजर है. और मोस्टली क्या होता है कि मेरे फैमिली में मेरे चाचा का लड़का है, वो स्टॉक मार्केट में 5 साल से है, तो उसने बोल दिया ये म्यूचुअल फंड ले लो सही रहेगा. अब वो उसके इंटेंशन गलत नहीं है, बट कितना उसका रिसर्च है उसके अंदर, कितना उसका नॉलेज है, वो इंपॉर्टेंट है. और वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा. रिसर्च का पर्सन भी ऐसा 100% नहीं बोल पाएगा कि यही ले लो और ये चलेगा ही. नोबडी विल गिव यू गारंटी इन स्टॉक मार्केट. इट्स अ प्रोबेबल मार्केट, पहले ये समझिए. सो इम्पोर्टेंट रिसर्च ये है कि देर आर टू वेज ऑफ रिसर्च इन फर्स्ट स्टॉक मार्केट फॉर इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स. वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस. सो टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोलते हैं? पहले फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. आई एम नॉट अ फंडामेंटल एक्सपर्ट गाय. मैं दो आई एम अ पीजीडीएम, मगर मेरे को इतना अभी तक मैंने कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ा है आज तक, और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता. आई एक्सेप्ट इट, और मैं नहीं पढ़ता. क्यों नहीं पढ़ता उसका मैं आंसर दूंगा आज सेशन में. सो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या रहेगा, एनीवन? फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती है? बैलेंस शीट स्टडी, यस और नो? सेकंड, स्टडी ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट.
Then? Revenue model and profitability. Sorry? Revenue model and profitability. Profitability. रेशियोस आएंगे, फाइनेंशियल रेशियोस, यस, देन कैश फ्लोज रहेगा. ये हुआ फाइनेंशियल एनालिसिस, नंबर्स हम एनालाइज कर रहे हैं. देन आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज, इज इट इंपॉर्टेंट? इंटरेस्ट रेट्स, मैनेजमेंट क्वालिटी रहेगा. देन और भी याद हो सकता है, करेंसीज, डॉलर प्राइस फ्लक्चुएशन इंपोर्टेंट. एनीथिंग एल्स, कुछ बाकी रह गया? मेरे को इतना ध्यान में था, मैंने इतना लिख दिया यहां पे. अभी आप में से किसी को और बताए तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस समथिंग एल्स, इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल सिनेरियो बोलते हैं उसको, ग्लोबल मार्केट्स. और ये सब स्टडी, और हम एक्सेट्रा लिख देते हैं इसके ऊपर, जो भी इसके अंदर होगा वो ऐड कर लेंगे. ठीक है, अभी इतनी टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत सुना है, आइडिया तो नहीं है डीप में इसमें कुछ भी. ये सब एक तो कितने लोग कर पाते हैं और किन लोगों के पास इतना टाइम होता है, क्वेश्चन है ये एक माइंड में. क्योंकि किसी को फाइनेंशियल रेशियो समझ में आएगा तो किसी को बैलेंस शीट पढ़ना ही नहीं आएगा. अभी मेरे को अभी भी नहीं आता बैलेंस शीट को, अगर कुछ टैली करके पढ़ना हो उसमें से इंटरप्रेट करना हो तो नहीं समझता. मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनको नहीं समझता होगा. किन लोगों को, और मैनेजमेंट क्वालिटी, हम ह्यूमन बिहेवियर को जज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो हाउ इज इट फेयर? मैनेजमेंट आल ऑल्सो बॉडी, ह्यूमन बॉडी हुआ वो भी एक. कौन इन्वेस्टर फ्रेंडली है, कौन नहीं है, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल्स है केस स्टडीज के लिए. आपने शायद पढ़े भी होंगे आपके सिलेबस में, जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट में आपको सब पता चलता है. तो मैनेजमेंट को कैसे जज करें? इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रिडिक्ट करना. आप मेरे साथ हो तो करें क्या अभी? क्योंकि कुछ कुछ चीजें आ रही है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसी कब चेंज हो जाए, नोटबंदी कब आ जाए, किसको मालूम है? वी कांट प्रिडिक्ट. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हाथ में नहीं है. करेंसीज अपने हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. मैनेजमेंट समहाउ सम एक्सटेंड बट नॉट 100%. अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, कुछ बहुत बड़ा स्टेक हो, तो आप मैनेजमेंट पे प्रेशर कर सकते हो, बट वो भी सुनना चाहिए ना. अगर हार्ड मोटी चमड़ी कर रहा हो तो हमारी भाषा में, हिंदी में बोले तो क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते. है देर आर सम रॉज, मगर फायदा क्या है? जहां पे कुछ डाउट हो वहां पे लगाने का फायदा क्या है? पहला तो ये है. तो ये सब चीजें हम होल फंडामेंटल में कवर हो जाती है. एक फंड मैनेजर हो या फिर एक जो इन्वेस्टर हो जो शायद कर पाए, या फंड मैनेजर की टीम हो बहुत बड़ी, वो ये सब कर सकते हैं, उनके पास टीम रहती है. इज इट डुएबल? यस और नो? उसके बाद क्या होगा? एक डिसीजन होगा वेदर बाय और नॉट टू बाय. इन्वेस्टमेंट वाले सेल नहीं करते, दे डोंट डू शॉर्ट सेलिंग. ये एक रीजन, एक आउटकम आएगा कि ये स्टॉक, जो भी स्टॉक या सेक्टर में उन्होंने रिसर्च किया है, तो ये सब स्टडी के बाद क्या होगा, हम ये वाला पार्ट निकाल देते हैं नॉट टू बाय, और अभी सोचते हैं कि इन्होंने डिसीजन लिया है कि इट विल बी अ बाय, इट्स अ गुड बेट इन फ्यूचर. तो क्या होगा? एक प्राइस फ्रॉम होगा सम हाउ सम पॉइंट ऑफ व्यू, एक प्राइस पे वो लोग बाय करेंगे. यस,
और उसके वजह से क्या होगा, सम वॉल्यूम क्रिएट होगा, 10 शेयर्स हो सकता है या 10 मिलियन शेयर्स हो सकता है, वी कांट प्रिडिक्ट, बट कुछ तो प्रोड्यूस हुआ। तो एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस इज अ बैकबोन स्टडी ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। जो भी प्राइस फॉर्म हुआ है, जो भी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है चार्ट्स के ऊपर, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मास साइकोलॉजी, मास बिहेवियर जो रहेगा बाजार का, जो उस स्टॉक के प्रति, वो हम जज करने की कोशिश करेंगे थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। तो समहाउ वी फॉलो द फंडामेंटल इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। यस सर नो, और डाउट है हो तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि आज कुछ ऐसा, कुछ चीजें ऐसी है, कुछ कॉन्सेप्ट वेरी बेसिक्स बट वेरी वेरी पावरफुल, आप सीख के जाओगे यहां से इस सेशन के अंदर, और कल जाके और आज शाम को ही जाके आप वो चार्ट पे देख सकोगे और प्रैक्टिस भी कर सकोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आज। एक्साइटेड? एक्साइटेड? यस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम अगर, और इट इज वेरी इजी डूएबल, क्योंकि सारी समझ नहीं है सब लोगों को फंडामेंटल की, जो टर्मिनोलॉजी यूज करनी है उसके अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस इजिएस्ट फॉर्म के, जहां पे आप ये फॉलो कर सकते हो, जहां पे सिर्फ आपको प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी करनी है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, द स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट। प्राइस भी मार्केट से आएगा, वॉल्यूम भी हम मार्केट से ही लेंगे, तो रॉ डेटा है, प्योर रॉ डेटा है। बाकी सब बहुत सारे इंडिकेटर्स है, दूसरी बहुत सारी मेथड्स है जो आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन में और एनहांस करने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? या डाउट नहीं होगा उसका मतलब सब समझ में आ गया, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया? तो कौन सा समझू मैं, पहला या दूसरा? पहला वाला। अच्छा, कौन कौन लोग अभी तक चार्ट उठा के प्रैक्टिस किया है एक भी बार? ओके, ठीक है, आज मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा जहां पे आप फ्री में चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर पाओगे इजीली। ठीक है, कैन वी मूव अहेड? चालू था ना? सॉरी, सो वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बहुत इजी लैंग्वेज में ट्राई किया, बुक में पढ़ोगे तो अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजी के साथ दिया गया है, बट बेसिक यही है, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस प्लस वॉल्यूम एनालिसिस इज द बेसिक एंड इट्स द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड वो रॉ मटेरियल है, रॉ डेटा है, मार्केट के थ्रू हमको मिलता है। करेक्ट? शैल वी मूव अहेड? सब इसके कुछ एडवांटेजेस है जो हम पहले देखना चाहेंगे और डिस्कस करना चाहेंगे। प्राइस नेवर लाइज, इसमें भी आप देख सकते हो कि सबसे पहला पॉइंट आया है प्राइस ही, और गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड। सब मार्केट के में सबसे सुप्रीम इंडिकेटर इज प्राइस इंडिकेटर, और उसको हमको जज करना है और थ्रू सम मेथड्स इवेल्यूएट करना है कि प्राइस एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो एग्जैक्टली हम देखेंगे। तो प्राइस नेवर लाइज, आप लोग ने यह सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट की है, या फिर पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए, या फिर कोई न्यूज आ गए मार्केट में और स्टॉक धड़ाम से गिर गया है, तो प्राइस एक्शन के एनालिसिस के थ्रू समहाउ हम पता कर सकते हैं कि एडवांस में के कुछ तो पॉसिबिलिटी है यहां पे,
मूवमेंट होने की. अब किस तरफ मूवमेंट आएगा वो बहुत वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट. कुछ ये ऐसा बोल दिया डाइजेस्ट नहीं हो रहा लग रहा है ऐसा नहीं होता. चलो लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं. यहां पे मैंने लिखा भी है ये एक्चुअली यस बैंक का एग्जांपल मैंने प्रीवियस कुछ दिनों के पहले का यूज किया था बट रिसेंटली थर्सडे मार्केट में हमको ये वापस दिख गया यही एग्जांपल. द स्टॉक गोज अप 20% टू अपर सर्किट पे ओपन हुआ स्टॉक और वो संभव मैंने एक लकीली एक वीडियो डाला था मैंने यूट्यूब पे जिसमें हमने प्रोबेबल मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन दिखाया था और वो एक्चुअली में आए वो मूवमेंट. सो देखते हैं कैसा हुआ वो. चार्ट क्लियर दिख रहा है. विल यूज यस बैंक डेली चार्ट. यस बैंक का ये डेली चार्ट है जिसका मैंने कुछ डेटा रिमूव किया है फॉर लर्निंग पर्पस. यहां पे हम देख सकते हैं कि यस बैंक में एक इसको हम साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं. हम ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे अभी थोड़ी देर में. एज्यूम कीजिए इसको साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, उसमें मार्केट में ये जो दिख रहा है वो प्राइस है, कैंडलस्टिक प्राइस है चार्ट से. नीचे जो दिख रहे हैं बार्स वो है वॉल्यूम. ठीक है, और हमने अभी डिस्कस किया प्राइस एंड वॉल्यूम का हम एनालिसिस करेंगे. यस बैंक में ये कुछ पिछले महीने में ही हुआ था 14-15 जनवरी को. ये साइडवेज मूवमेंट थी और इसमें रिजल्ट एक एक्सपेक्टेड था अराउंड आफ्टर 2-3 डेज. तो उसमें कैसे मूवमेंट आई वो हम देखते हैं. पहले रिजल्ट के पहले ये मूवमेंट थी कुछ दिन पहले. देखिए प्राइस बढ़ रहा है. यस, इसके ऊपर गए. ये जो जोन था उसके ऊपर गया, साइडवेज जोन था. ठीक है, इसके ऊपर गया प्राइस. ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, उसके ऊपर प्राइस जाते हुए दिख रहा है. यहां पे क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंटर और ट्रेडर्स में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर एंटर हियर ऑन दिस ब्रेकआउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन. वहां पे बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंटर हुए ड्यू टू वो रिजल्ट पॉलिसी. रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला था तो इन होप ऑफ के यहां से प्राइस और अप्रिशिएट हो, बट प्राइस ने 2-3 दिन पहले ही मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया. अब देखते हैं क्या हुआ. ओ नेक्स्ट डे और देखते हैं आगे. अरे बाप रे. ठीक है, दिस इज द एग्जिट डे. इसके यहां पे क्या होगा, जिन जिन्होंने यहां पे एंट्री की होगी ये होप में कि यहां बढ़ेगा, वो क्या करेंगे, यहां पे विल बुक लॉस करना पड़ेगा, कर ही लेंगे. ठीक है, ये प्राइस था अराउंड 200 के अबव था और स्टॉक प्राइस नीचे आ गया 188, तो आपको लॉस हो रहा है और आपको बुक करना पड़ेगा. एज अ ट्रेडर आपको बुक करना पड़ेगा, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो बुक कर ही लोगे. उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हुआ फिर से. सी इधर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और एक न्यूज आया इसके अंदर, कुछ एमडी या कुछ अपॉइंट हुआ. आई डोंट नो एग्जैक्ट न्यूज और मैं ट्रैक भी नहीं करता, अभी तक मेरे को मालूम नहीं है. बट यहां पे इतना पता चल गया था, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1, 2 और 3 दिन जो दिख रहे हैं आपको, किसी को पता था कि ये न्यूज, मैनेजमेंट के ऊपर टॉप लेवल की बात कर रहा हूं, किन लोगों को तो पता ही था, तभी तो यहां पे बाइंग वॉल्यूम आया है ना. हमको नहीं मालूम, एज ए रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर हमको कभी पता भी नहीं चलेगा. और कोई बोलता है ना मेरे पास मुंबई से न्यूज है तू रख, वो हमको बता रहा ना, मतलब समझ लेना ये न्यूज कुछ है नहीं खास. ठीक है, मगर कुछ जो अपर सर्कल है दे न्यू, यस और नो, एक्यूमुलेट कर लिया पहले. और रिटेल कहां चढ़े हम लोग, यहां पे ऊपर.
यहां पे चढ़े हम लोग, और उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, अभी हम ये हुआ एक न्यूज डिस्काउंट हुआ, अभी हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक सिंपल टेक्निक है, यहां से ये जो बढ़ रहा है वहां पे हमको ये वॉल्यूम दिख रहा है, उसके बाद फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है, ये बढ़ रहा है ऊपर स्टॉक प्राइस, ठीक है, अभी ये जब गिर रहा है तब नीचे का बार देखिए वॉल्यूम का, वो भी कम हो रहा है, ये देखिए नीचे आ रहा है नीचे, मतलब वीक हैंड्स सेलिंग और रिटेल को एग्जिट करने का स्ट्रेटेजी हो गया एक टाइप का, ये इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद जब मुंह आ रहा है, सी विद द वॉल्यूम, यहां पे देखिए ये जब बढ़ रहा है तो स्पाइक आया वॉल्यूम में भी, जब वो न्यूज के दिन था। सो अग्री जो मैंने बताया, प्राइस नेवर लाइज, यस। प्राइस नेवर लाइज, एक सिंपल एग्जांपल से हमने ट्राई किया समझने का, करेक्ट? समझ में आया? कुछ भी डाउट हो इसमें, यस सर नो? टेक्निकल एनालिसिस गिव यू ट्रेड सिग्नल्स। ये क्या हुआ अभी? इसमें सिंपल स्टडी के थ्रू हमको एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट दिखेगा, हम डिफाइन कर पाएंगे, वो हमारा बाइंग प्राइस हो सकता है, और एक एग्जिट पॉइंट होगा जो हमारा सेलिंग पॉइंट हो सकता है, यस और नो? और ये सिंपल हो सकता है आपके काम के लिए, आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर आपको क्या चाहिए? एक तो एंट्री पॉइंट चाहिए, एज ए ट्रेडर भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री पॉइंट चाहिए, तो वो दे रहा है, ये ट्रेड सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। और थर्ड पॉइंट है डन क्विकली एंड इजीली, ये इतनी सिंपल स्टडी है, मैंने आपको बताया दो पॉइंट्स अभी बताए कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम हम देखेंगे, वो आप किसी पे भी, आप इंटरनेशनल कमोडिटी भी अप्लाई कर सकते हो, करेंसीज पे भी अप्लाई कर सकते हो, वेरियस स्टॉक्स वेरियस कंपनीज पे अप्लाई कर सकते हो। आज आपने हमको यस बैंक देखा, अभी हम यस बैंक का कुछ अंदर का मैनेजमेंट या फिर बैलेंस शीट वगैरह नहीं भी जानते, दो वी कैन स्टडी, यस, सो इजिली हो सकता है। और आज मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, मेरे वर्कशॉप में मैं करवाता हूं और ईमेल से मंगवाता भी हूं पीपीटी, गो होम एंड आज जो सीखेंगे कॉन्सेप्ट उसके मिनिमम 25 चार्ट्स आज प्रैक्टिस कीजिए, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे मिनिमम, एक्चुअली में होना चाहिए मोर देन 100 पर डे। और व्हेन आई वाज लर्निंग मैं कम से कम 2 से 3 हजार चार्ट स्कैन कर सकता था और किए है उतने, पहले काफी टाइम लगता था 5-6 घंटे के ऊपर जाता था, बट आज आई कैन डू इजिली इन हाफ एन आवर। तो तब जाके ग्रिप आएगा, समझ में आएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं यहां दिखा रहा हूं ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिए, जाइए और बैक टेस्ट कीजिए। ये एक टेक्निकल का और एक एडवांटेज है, जो लॉजिक आप सोच रहे हो यू कैन गो बैक टू डेटा एंड टेस्ट इट, वो लॉजिक ने क्या परफॉर्मेंस दिया हुआ है, करेक्ट? एम आई फेयर? ट्रेंड एनालिसिस आज सीखेंगे हम, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, डिफाइन लेवल इजिली, आप कहां पे एंट्री करना है एग्जिट करना है, और कहां पे अगर आप विनिंग पोजिशन में हो तो कहां पे आप उसमें और एड ऑन कर सकते हो। अब ये कुछ समझ में आया या फिर ऊपर से गया? इसको बोलते हैं हम पिरामिडिंग इन प्रॉफिट। काफी लोग क्या करते हैं कि एक बार फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में कोई स्टॉक लिया है और वो नीचे आ रहा है 95, तो स्टार्ट एडिंग मोर, वो और खरीदते हैं एवरेज प्राइस करने के लिए, अभी 90 आया तो और ट्राई करेंगे खरीदने के, तो ये लूजिंग ट्रेड में पिरामिडिंग हो गया, जो सजेस्ट नहीं करता हूं मैं खुद भी एज ए प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल्स कभी नहीं करेंगे, इन्वेस्टर होंगे तो भी नहीं करेंगे। अगर आप 100 रुपीज में लिया 110 हो रहा तो उसका मतलब है कि आपका जो व्यू है वो सही है वो स्टॉक के बारे में। तो जब भी आप लूजिंग पोजिशन में एड करो ना, तब आप मार्केट को बोल रहे हो कि मैं सही था, क्योंकि आप मार्केट उस हिसाब से मूव नहीं हुआ,
तो यू नेवर टेल द मार्केट के मैं सही हूं या गलत हूं. मार्केट इज सुप्रीम, ने ऑलवेज राइट, एक्सेप्ट इट, करेक्ट. और जब आप ऊपर ऐड कर रहे हो 110 पे, तब आप मार्केट की सुन रहे हो, क्योंकि आप सही हो, मार्केट भी उसी हिसाब से जा रहा है, और आप मार्केट की सुन के आप उसमें और ऐड पोजिशन कर रहे हो, तो वहां पे वो लेवल्स काम आएगा. डिफाइन होता है सिंपल, सुटेबल टू एनी इंस्ट्रूमेंट और मार्केट. जैसे बताया करेंसीज भी आप कर सकते हो, इंटरनेशनल गोल्ड, हमारे एमसीएक्स कमोडिटीज आप ट्रैक कर सकते हो, वेरियस चार्ट्स. आज बीएसई एक्सचेंज पे लगभग कम से कम 5,000 से 7,000 स्टॉक लिस्टेड है. एटलीस्ट निफ्टी 50 के तो हम कर ही लेंगे, 5,000 तो अभी टाइम लगेगा पहुंचते पहुंचते. निफ्टी 50 तो कर सकते ना एक दिन के अंदर, यस और नो? टाइप्स ऑफ चार्ट देखेंगे सबसे पहले. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट, वैसे बहुत सारे मगर ये बेसिक्स है. लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट. लाइन चार्ट सिंपल होता है, क्लोजिंग प्राइस के जो क्लोजिंग प्राइस रहता है एवरीडे मार्केट में, स्टॉक और कमोडिटीज वगैरह जिसके, उसको एड ऑन करके सिंपल एक फॉर्म होता है स्लाइड. और दूसरा होता है बार चार्ट, जो कुछ इस तरह से दिखता है. थैंक गॉड आज सैटरडे मॉर्निंग है, नहीं तो फिर बार आ जाता है तो कुछ और आ जाता है दिमाग के अंदर. मॉर्निंग है इसलिए सब फ्रेश है. बार चार्ट रहता है जिसमें चार प्राइजेस से बना होता है, वो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ये हो गया 2D पिक्चर. और थर्ड होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जो भी चार प्राइजेस से ही बनता होता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. अब ये क्या है ओपन, हाई, लो, क्लोज? ओपन, हाई, लो क्या होता है? आज मार्केट और जो भी स्टॉक का एक ओपनिंग प्राइस रहेगा, मार्केट चालू होगा तब, यस. और एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइस रहेगा, यस. और इन बिटवीन पूरे दिन के अंदर डेज हाई हो फॉर्म होगा, एक मैक्सिमम हाई एक रहेगा और एक लोवेस्ट लो फॉर्म होगा. तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज हो गए चार पॉइंट, उसके थ्रू ये बनता है, करेक्ट. और ये एग्जैक्ट थोड़ा 3D पिक्चर का व्यू देता है. बार चार्ट्स में 2D पिक्चर का व्यू हम समझ सकते हैं. यहां पे आप एग्जैक्टली विजिबल कर पाओगे कि ये कैंडलस्टिक बुलिश है, बैरिश है. बुलिश बैरिश कॉन्सेप्ट तो पता होगा. कैंडलस्टिक चार्ट समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा बेसिक कैंडलस्टिक का नॉलेज होना जरूरी है. और आई होप कि आप लॉट ऑफ नोट्स ले रहे हो इस सेशन के. कैंडलस्टिक चार्ट जैसे बताया, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार प्राइस से बनता है, जिसमें आपको ठीक है, ये हो गया आपका ओपन प्राइस, ये जो दिख रहा है वो पूरे दिन के अंदर प्राइस ऊपर गया और बंद आया है, और यहां पे क्लोज आया है. तो दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट. थोड़ा स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिए, ये है क्लोजिंग प्राइस. ओके, तो प्राइस ने ट्रैवल किया क्या अपसाइड. ओके, और ये दिन में एक हाई फॉर्म किया और एक लोवेस्ट लो फॉर्म किया है, ठीक. इसको हम बोलते हैं बॉडी, कैंडल बॉडी. और ये जो है उसको हम शेडो बोलते हैं, हाई और लो जो फॉर्म हुए वो, ठीक है. यह हुआ बुलिश कैंडल, बिकॉज ओपनिंग प्राइस से उसने अपसाइड ट्रैवल किया है. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पे ओपन हुआ है और 105 पे क्लोज आया है, तो क्या हुआ, अपसाइड ट्रैवल किया. तो काफी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में ये ग्रीन कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, डिपेंड आपका सेटिंग कैसा है. और दूसरा एक कैंडल रहता है जिसमें 100 रुपीज पे ओपन हुआ और 95 पे क्लोज हुआ, एक हाई और एक लो, ठीक है. इसको बेयरिश कैंडल बोलेंगे, बिकॉज इसने प्राइस घट के बंद हुआ है, नीचे ट्रैवल किया है प्राइस ने. सिंपल है, समझ में आया, यस. अब देखेंगे हम ट्रेंड एनालिसिस. ट्रेंड किसको बोलते हैं, डायरेक्शन, यस. सिंपल है, ट्रेंड मींस डायरेक्शन. इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर और मे बी अ ट्रेडर, यू नीड अ ट्रेंड. ट्रेंड इज अ फ्रेंड बोलते हैं स्टॉक मार्केट में. अगर आप ट्रेंड अगर है ही नहीं मार्केट में, तो यू कांट मेक गुड मनी. है कुछ मेथड्स है, जब आप मार्केट में ट्रेंड नहीं हो तो भी काम कर पाओगे, बट वेरी डिफिकल्ट. वो एक बहुत ही डाइसी एरिया है, पीरियड है पार्टिसिपेंट के लिए. बिकॉज आप अगर आप मार्केट को
ट्रैक कर रहे हो या फिर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि पिछले एक साल में मार्केट डिडंट गो एनीवे, कुछ लेवल से उसके अंदर ही है ऊपर और नीचे के, तो एक्चुअली देखने जाए तो मार्केट ने ऐसे रिटर्न दिए नहीं है पिछले एक साल के अंदर तो, एंड जिन्होंने खुद का पैसा लगाया है उनको मालूम होगा कि पेनफुल पीरियड है ये। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में काफी लोगों ने लगाया होगा, वहां पे भी एनएवी घटी होगी या फिर एटलीस्ट वहीं पे अप टू मार्केट ब्रेक इवन पे रहेगी, है क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? तो मेरा हाथ पहला ही है, दो आई हैव मेड गुड मनी इन ट्रेडिंग ऑल्सो। है कुछ टेक्निक्स जहां पे काम आ सकता है, बट पिक्चर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर साइडवेज मार्केट रहा तो। सो देर आर थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट, कौन सा जो सबको पसंद है वो रिटेल्स, सॉरी अपवर्ड ट्रेंड, सेकंड डाउन रन, वो ट्रेडर्स को पसंद है साइडवेज। अभी ये ट्रेंड हमको मालूम है बट इसको हम मार्केट में कैसे यूज करें, अप्लाई करें, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, यस। हम समझेंगे कि ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए चार्ट्स के ऊपर। कभी भी मार्केट या स्टॉक आपको ऐसा दिखा है कि इस तरीके से बड़ा हो? यस, नहीं बढ़ता इस तरीके से, रेयरली बढ़ेगा और हम उसमें होंगे ही नहीं, पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे जब भी बड़ा होगा तो। वो अभी आयरनी है ये, क्या कर सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं होंगे ही नहीं इसमें, दो आए मैंने फुल टाइम मैं भी नहीं होंगे इसके अंदर, चांसेस है बाहर ही होंगे इसके अंदर। बट मार्केट ऐसा बहुत कम वे में ट्रैवल करेगा, मार्केट हमेशा इस वे में ज़िगज़ैग फॉर्म में ट्रैवल करेगा, करेक्ट? देख रहे हो ना, यस बैंक ने हमने देखा ना, पहले नीचे आया, पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, सबको निकाल दिया, आउट कर दिया हम उसको ट्रेड में से, फिर वापस ऊपर गया, वहां पे वापस हम चढ़े, फिर वहां से नीचे आया। सो ये साइकोलॉजी है स्टॉक मार्केट की, कि वो ज़िगज़ैग वे में ही फॉर्म चलेगा। अभी आपका ये काम है कि आइडेंटिफाई करके वो लेवल डिफाइन कीजिए कि जहां पे आप सेफली एंटर कर पाए, फिर वो यस बैंक जैसा ना हो, एकदम टॉप पे ही हमने एंट्री कर दी और हम फिर राह देखेंगे कि मैं लॉस तो नहीं कर सकता। सो सबसे पहला थिंग तो ये है कि अगर आप ट्रेडर हो मार्केट में, सो यू नीड टू लर्न अ बुक अ लॉस, वो करना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। आपको आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रिडिक्शन सही था या मेरा एनालिसिस सही था, बट ड्यू टू चाइना मार्केट, डाउ जोन्स के मार्केट की वजह से, या फिर कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट की आ गई और मार्केट गिर गया और मैं गलत हो गया, नहीं, आपको मार्केट बता रहे आप गलत ही हो, तो फिर वहां से आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। रिमेंबर वो थिंग के आप मार्केट को सुना रहे हो या आप मार्केट की सुन रहे हो, इट्स लाइक अ चेस गेम, अपोनेंट क्या प्ले करेगा उस हिसाब से आपको आपका प्लान करना है ट्रेड। चेस गेम पता है सबको क्या होता है, उसमें सामने वाला कुछ चाल खेलेगा, देन विल डिसाइड आवर, यस, सेम वे मार्केट भी वही है। अब सुनो, आप देखो उसको कि दिखा क्या रहा है वो, उसके बाद आप प्लान कीजिए, ठीक है। हम ट्रेंड एनालिसिस देख रहे थे, तो ये हो गया एक, हमको ये ट्रैवल दिख रहा है, ये अपसाइड मूवमेंट, और जब मार्केट गिरेगा तभी भी इसी वे में गिरेगा, ज़िगज़ैग फॉर्म में, जो हो गया डाउन ट्रेंड, करेक्ट। अभी ये दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, बट टुडे आई विल प्रॉमिस कि आप हम कुछ एक एग्जैक्ट पॉइंट और डिफाइन करेंगे, यहां से हम सब आज शाम को जब निकलेंगे, दोपहर में निकलेंगे यहां से, तो हमको मालूम है कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन कहां पे हो, कहां पे अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और कहां पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, वो पता होना चाहिए। और इसके आपको प्रैक्टिस करना है 25 चार्ट्स पर डे टुडे से, आज से, ठीक है? यस और नो, प्रॉमिस करो मेरे को, करोगे? जब भी मार्केट मूव होता है, अभी साइकोलॉजी समझेंगे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में साइकोलॉजी क्या होती क्या है एग्जैक्टली। रिमेंबर, 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का एक स्टॉक प्राइस है, वहां से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो हो गया 130 शुरू में, ओके। तो काफी लोग ने, कौन कौन लोगों ने यहां पर एंट्री की होगी 100 रुपीज पे, दे आर हैप्पी। फिर क्या आता है, छोटा एक माइनर एक, जिन्होंने यहां से लिया है 100 रुपीज से, वो समवेयर कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर नहीं होगा, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होंगे,
कोई कोई इन बिटवीन गए होंगे तो उनको जो भी मिल रहा है वो आप प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है 115, एग्जाम्पल दे रहा हूं एक हाइपोथेटिकल, तो अभी जो 100 पर रह गए ना, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो क्या सोचेंगे, बेटर टू इन्वेस्ट एट 115 अगर मैं रह गया तो प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं 100 के जगह पे 115, तो यहां पे एक डिमांड क्रिएट हुआ और वो प्राइस मूव हो रहा है 200 रुपीज। उसके बाद जो 100 के इन्वेस्टर है, इन बिटवीन जो इन्होंने एंटर किया है 115 पे, समहाउ कहीं पे वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यस। तो स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ रहा है 170। सेम वे में अगेन वही साइकोलॉजी, जो रह गया है जो और पिरामिडिंग जैसे मैंने आपको समझाया कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर रहेंगे जो 100 से लिया है वो एवरेज डिप में भी ऐड करते जाएंगे उनका इन्वेस्टमेंट। तो 170 से प्राइस मूव हो रहा है 230, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा 210 और 300, मतलब 100 रुपीज वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 300 तक टच किया। हुआ ये एक मूवमेंट, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक यहां पे एक टॉप दिख रहा है, यहां पे एक टॉप दिख रहा है, यहां पे भी एक टॉप दिख रहा है, यस और नो, स्विंग के टॉप्स दिख रहे और यहां पे एक बॉटम दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यस यस और नो। तो क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, यस। इसको अपट्रेंड की डेफिनेशन बोलते हैं, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम्स होना चाहिए, ये डाउ थ्योरी है सिंपल। चार्ल्स डाउ ने 150 ईयर बैक ये इन्वेंट की थी, अभी भी काम करती है, बेसिक सबसे बेसिक है। आप अगर पढ़ोगे गूगल पे तो बहुत कुछ दिया है, ये प्राइमरी ये वो ट्रेंड, वहां पर कंफ्यूज भी हो जाओगे आप। तो ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्राई किया है कि समझाने की, दिस इज द डाउ थ्योरी, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड का डेफिनेशन है, अभी डेफिनेशन क्लियर हुआ, हम पॉइंट भी क्लियर करेंगे कहां से हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड ही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से अप ट्रेंड एंड हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। बट पहला समझना है कि हायर टॉप हायर बॉटम इज अप ट्रेंड डेफिनेशन। सेम वे में ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम होने चाहिए, जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। और इन दोनों में से एक भी ना हो दैट मीन्स इट्स अ साइडवे मार्केट, इट्स अ साइडवे ट्रेंड, जिसको इस तरीके से वो रहता है, जिसका एक ऊपर का एरिया नीचे का एरिया ऐसा फिक्स रहता है, ये साइडवे जोन हो गया, ओके यस क्योंकि इसमें हायर टॉप्स नहीं दिख रहे ना लोअर टॉप्स दिख रहे ना लोअर बॉटम दिख रहे, तो फिलहाल का जो मार्केट हो ऐसा है रिसेंट सिनेरियो। देखना चाहोगे चार्ट पे, निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम, ये निफ्टी का डेली चार्ट है जहां पे हमको ये देखने को मिल रहा है, ये जो पीरियड दिख रहा है, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, साइडवेज मूवमेंट है। यहां पे आपको मिल रहा है देखने को कि मार्केट जा नहीं रहा है इसके ऊपर, यहां से नहीं जा रहा, फिर अटेम्प्ट किया नहीं जा रहा, यहां अटेम्प्ट फेल हो चुका है, और लोअर साइड पे ये एक जोन है जहां से जा नहीं रहा है। और ये कितने महीने से चल रहा है, पिछले नवंबर मंथ से स्टार्ट हुआ है, और आज कौन सा मंथ है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स साइडवे मार्केट, डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या दिक्कत है,
मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट में अप्रिशिएशन प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, कहां से बढ़ेगा? मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो साइडवेज है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और सबसे बड़ा तो एक हमको मालूम है, अपकमिंग इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। सो बहुत वेरियस, और उसके हम उसके आगे देखें तो यहां पे हमको एक डाउनफॉल दिखा था। अभी हम देखते हैं इसमें एग्जैक्टली कि कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो लाइन चार्ट से आपको क्लियर पता चलेगा ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, हम देखते हैं लाइन चार्ट करके। यहां यहां पे दिख रहा है ये साइडवेज, और ये देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहा है। तो सितंबर महीने में एक फॉल आया था शॉर्ट टर्म के लिए, और हमेशा याद रखिए कोई भी बड़ा एक ट्रेंड दिखेगा आपको उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज मार्केट आएगा। सितंबर महीने में जो फॉल दिखा था वो टू मंथ्स के अंदर बहुत बड़ा फॉल था 10% का इंडाइसिस के अंदर, और उसके बाद तीन चार महीने से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यस, अभी हम एग्जैक्ट ट्राई करेंगे डेफिनेशन देखने की कि कहां कौन से पॉइंट से हमको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिफाइन करना है। ठीक है, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। हम प्रीवियस एग्जांपल को पहले यूज करेंगे कि 300 तक क्या गया था स्टॉक प्राइस, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट सेंटिमेंट सब हमेशा सेम तो नहीं रहने वाले। ठीक है, ये आया 275 290। तो यहां क्या हो रहा है, कुछ दिखा? 300 के ऊपर नहीं जा रहा है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो एक जोन था सप्लाई का, उसके ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है, और इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन बाय ब्रेकिंग दिस जोन। दिख रहा है ये जो बॉटम था वो ब्रेक किया यहां पे। मतलब क्या हो रहा है, सेंटिमेंट चेंज हो रहा है ट्रेंड के अंदर। तो जो जिन लोगों के पास नीचे से स्टॉक है या फिर इन बिटवीन है, उनके लिए ये कॉशियस पॉइंट हो गया, ये वाला, ये अलर्ट हो गया यहां पे सबसे पहले। और जब ये यहां से फॉर्म करके इस यहां एक टॉप फॉर्म करेगा, तो वो ये क्या हो गया, लोअर टॉप स्टार्ट हो गया बनना। इट मींस कि अगर आपका ये ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम्स है सीक्वेंस, उसके बाद एक फॉल आएगा, तो ये सबसे पहला अलर्ट हुआ, अलर्ट हुआ क्योंकि ये प्रीवियस टॉप क्रॉस नहीं कर रहा, और दिस इज द पॉइंट, ये जब ब्रेक किया ना, इट मींस योर अप ट्रेंड इज ओवर फॉर व्हाइल। इजी सीधा पॉइंट समझ में आ गया हमको। और सेम वे में अपोजिट, अगर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट, क्योंकि पहले तो ये सीरीज ऑफ बॉटम्स ओवर हो गए यहां पे, ये बॉटम को ये ब्रेक नहीं कर रहा, तो यहां पे हमको अलर्ट तो आ जाएगा ये कुछ चेंजेस होने वाले, बट एग्जैक्ट कहां पे हम इसको कंफर्म करेंगे तो ये वाला पॉइंट है कि प्रीवियस जो टॉप था वो जब क्रॉस होगा योर डाउन ट्रेंड इज ओवर फॉर वाइल। हम इसको चार्ट पे देखेंगे एक बार, देखना है, आप बोलिए कोई स्टॉक का एग्जांपल, उसको ट्राई करेंगे। L&T और लाइन चार्ट का यूज करिए ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए। कैंडलस्टिक में आपको ये देखिए, मैं कैंडलस्टिक लगाऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा कि इसमें हो क्या रहा है, जा कहां रहा है। ये देखिए, इसका एडवांटेज है तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज हमेशा साथ में होता ही है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लाइन चार्ट में।
इस हमको यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये एक पॉइंट था जहां पे ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है और उसके बाद क्या सीरीज ऑफ बॉटम स्टार्ट हुए, यस, और यहां पे भी ये टॉप को क्रॉस नहीं किया, देख सकते हैं यहां पे, और कंटिन्यू जा रहा है। इट मीन अभी ये लोअर बॉटम ब्रेक होगा कि नहीं होगा हमको देखना है आने वाले टाइम में। अगर ये ब्रेक हो गया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, अगर नहीं, अगर ये बॉटम ब्रेक नहीं होगा तो हमको अलर्ट आ गया कि ये स्टॉक का ट्रेंड मे बी चेंज हो सकता है। और मे बी के लिए फिर एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि अगर ये टॉप है, अगर इसका मूवमेंट इस वे में रहा तो ये जो एरिया था ये टॉप, दैट इज योर डिफाइनिंग एरिया कि डाउन ट्रेंड आपका हुआ, यस, इजी टू अंडरस्टैंड, यस और नो। ये हो गया डेली चार्ट, ये डेली चार्ट था शॉर्ट टर्म्स। जैसे कैंडलस्टिक मैंने आपको बताया, दिन का बताया मैंने डेफिनेशन, वो एक वीक का भी हो सकता है और वन मंथ का भी हो सकता है। सो लिख लीजिए कि शॉर्ट टर्म डेली चार्ट इज फॉर शॉर्ट टर्म, वीकली चार्ट इज फॉर मीडियम टर्म एंड मंथली चार्ट इज फॉर लॉन्ग टर्म। और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, अभी मारुति, वी हैव सीन रिसेंट फॉल इन मारुति सितंबर मंथ, ओके, उसके बाद यहां पे एक बॉटम दिख रहा है, वॉल्यूम को एग्जिट कर लेता हूं, अभी दिख रहा है क्लियर चार्ट नीचे का, ओके, अभी क्लियर। यहां पे हमको क्या दिख रहा है, एक फॉल दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ये दिख रहा है यहां पे, उसके बाद ये एक बॉटम फॉर्म हुआ है, करीबन वहीं पे एक दूसरा बॉटम फॉर्म हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये चार्ट अभी साइडवेज जोन के अंदर है ये स्टॉक एलएनटी, और उसका मेन डिफाइनिंग एरिया रहेगा, सबसे पहला कौन सा रहेगा आपको पॉइंट बताया, ये वाला रहेगा, यस और नो। अगर ये यहां से ब्रेक करेगा तो ये बॉटम है और यहां पे नया बॉटम क्रिएट हो सकता है, प्रोबेबल है, होगा ही नहीं, बट अगर ये वाली लाइन क्रॉस किया ये पॉइंट, तो वो ये जो करंट जो साइडवेज था वो फॉर शॉर्ट टर्म वो चेंज हो रहा है। अभी हमको ये शॉर्ट टर्म में ये बहुत डाइसी लग रहा है, ये स्टॉक में अभी तो लग ही रहा है वैसा, तो क्या करने का, अभी उसका थोड़ा हायर टाइम फ्रेम चेक करो वीकली। अच्छा बाय द वे ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म फ्री है, मैं ये एक्चुअली मैं ये यूज नहीं करता, बट फॉर स्टडीज के लिए मैं ये प्रीफर करता हूँ, बहुत बहुत सारे इसमें टूल्स है, टेक्निक्स है, आप यूज कर सकते हो फ्री में, सिर्फ ईमेल आईडी डालिए, लॉगिन कर लीजिए। और इसका in.tradingview.com है और investing.com है, chartinc.com है, बहुत सारे फ्री टूल्स है जहाँ पे आप चार्ट इंक जो बोला मैंने आपको, वहां पे आप स्टॉक को स्कैन भी कर सकते हो, जो पेड सॉफ्टवेयर देते हैं। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ वो लिटिल बिट हायर साइड का है, क्योंकि लाइव चार्टिंग है पूरा, मैं स्पाइडर आईरिस यूज करता हूँ जिसका ईयरली कॉस्ट है 55,000। अभी हम देखते हैं इसका वीकली चार्ट देखेंगे एलएनटी सॉरी मारुति चार्ट का, ओके ओके। अभी देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम में यहां पे एक टॉप दिख रहा है हमको, यहां पे दिख रहा है, दूसरा टॉप कहां पे बना दिख रहा है यहां पे, तो लोअर टॉप स्टार्ट हुए थे वीकली टाइम फ्रेम में मीडियम टर्म, और फिर ये बॉटम ब्रेक किया यहां पे, ये जो सबसे पहला तो यही पॉइंट आता है ये वाला समवेयर हियर ब्रेक सितंबर में, तो वहां से स्टार्ट हुआ था फॉल, फिर यहां से इसने वीकली टाइम फ्रेम में ये यहां पे अपसाइड गया बट लोअर बॉटम भी फॉर्म किया है वापस। सो इसका वीकली टाइम फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हमको ये जो एरिया दिख रहा है,
ये इंपोर्टेंट जोन रहेगा ट्रेंड चेंज के लिए फॉर मीडियम टर्म, यस और नो? दिख रहा है क्लियर? अब इसका मंथली भी हम चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म का चार्ट. दिस वे योर एनालिस्ट शुड बी. सिर्फ डेली चार्ट देख के मत कीजिए. ओके, तो यहां पे ऑलमोस्ट ये डाउन ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ, ये बॉटम ब्रेक किया, तो अभी हमको दिख रहा है कि ये वाला जो बॉटम है आखिर में वो ब्रेक किया, तो फॉर लॉन्ग टर्म उसका ट्रेंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रह सकता है. फॉर वाइल अभी अटका हुआ है, बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है मतलब. और मैंने अभी एक डेफिनेशन सजेस्ट की, जब भी एक बड़ा ट्रेंड आएगा उसके बाद 90% मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगा, तो हो सकता है स्टॉक अभी रेंज में रहे काफी टाइम के लिए, क्योंकि उसका वीकली टाइम फ्रेम, मंथली जो हायर टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म साइडवेज जोन के अंदर दिखा रहे हैं अभी, और डेली चार्ट पे वो फ्लक्चुएट हो रहा है एक लेवल, एक रेंज के अंदर, ठीक है. और जो फंडामेंटल फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि नंबर्स भी उतने ठीक ठाक आए हैं, खास नहीं आए. सो दिस इज द बैकबोन स्टडी ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. दिख रहा है चार्ट के थ्रू जो पहले हमको पहली स्लाइड में लिया था हमने. यस, हाँ रिसेंट देख सकते हैं ना, DHFL सबका फेवरेट, ट्रेडर्स का फेवरेट. DHFL इज द, इसका ये मंथली चार्ट हुआ, हम इसका शॉर्ट टर्म देखेंगे पहले, डेली चार्ट. ओके, ये देखिए DHFL वन डे में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, रीजंस बहुत सारे हैं, अभी आप यूट्यूब कर लेना है. तो वहां से ये वाला एरिया यहां से ब्रेक होते हुए दिखा था हमको, ठीक है, और चांस ही नहीं मिला कुछ करने का. ये तो इतना एक ही दिन में 50-60% का फॉल था. उसके बाद देखिए आपने, आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर एंड टू जनवरी, आप ये पूरा जो जोन है ये वाला वो साइडवेज था. उसके बाद ये वाला जो बॉटम है 184 के करीब, ये वाला है, ये 185, वहां से वापस इसने ये बॉटम ब्रेक किया और 100 रुपीज आ गया नीचे. था हेवन था ट्रेडर्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली FNO में बैन था तो कुछ कर नहीं पाए इतना खास. वो आपने, आपको मैडम ने आपके सीरीज में दिखाया होगा बैन पीरियड में क्या से आता स्टॉक. तो ये देखिए अभी अशोक लेलैंड का एक रिसेंटली चार्ट था, जो इसका मैंने थोड़ा व्यू भी रखा था कि इसमें भी कुछ मैनेजमेंट कुछ तो है न्यूज, अभी इतना पता नहीं है मेरे को. ये हुआ डेली चार्ट अशोक लेलैंड का, ठीक है. क्या दिख रहा है? लोअर टॉप लोअर बॉटम्स, यस और नो? वीकली टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है? ये क्या है? डाउनफॉल है. लोअर टॉप लोअर बॉटम. अभी इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं एक बार. ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस बॉटम था उसके करीब में आके होल्ड कर रहा है. यस, इट शुड बी प्रोबेबल बॉटम. प्रोबेबल, आई यूज प्रोबेबल वर्ड, क्योंकि DHFL जैसा हो सकता है ब्रेक करके फिर कुछ भी हो सकता है. एनी थिंग इज पॉसिबल इन मार्केट. तो ये अभी इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमको ये एरिया तो पता चल गया कि यहां पे ये हो सकता है ये लेवल्स पे, और लेवल है करीबन 80 रुपीज. इसके बहुत सारे टेक्निक्स है कुछ और भी के, यहां पे हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं ये लेवल है. दिखाऊंगे थोड़ा, लिटिल बिट हाई हो जाएगा हमारे, फिर भी ट्राई करेंगे हम. चलो सबसे पहले तो एक बार कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करता हूं. फिबोनाची इज द वन टूल, द मोस्ट 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 पावरफुल टूल, जिससे वो नेचर में भी वर्क करता है. एग्जाम्पल दू, ये कुछ ऐसा बोल दे रहा हूं हर बार का कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है. हमारा ये हेड से लेके नीचे का पैर है, सो नवेल कहां पे आता है? एग्जैक्ट 638 पॉइंट पर रहेगा, और नीचे 60, नीचे से नापेंगे तो 61.8 रहेगा रेशियो. तो 61.1 इज अ गोल्डन रेशियो बोला जाता है. ये आर्म्स देख रहे हो आप, तो यहां से वहां तक में ये तो ये डिफरेंस है, और ये तो ये है, ये 24% रहेगा और ये 61 रहेगा. वो नेचर में भी वर्क करता है, मार्केट में भी वर्क करता है.
कोई भी आप बॉडी का पार्ट निकालोगे ये रेशियो वर्क करेगा। अभी इसमें देखते हैं स्टॉक में, बॉडी का बाद में करेंगे। ये जो लोस था अगस्त 13 में था 2013 में, वहां से लेके मैंने इसका पूरा एक रेशियो किया है। ओके, ये टॉप तक किया है, ठीक है, ये यहां से लेके ये टॉप तक किया है, तो जिसका 61.8% जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं वो करीबन वो भी 75-70 के रेंज में दिख रहा है। सो प्रीवियस बॉटम प्लस गोल्डन रेशियो का एक क्लब हो रहा है। और भी कुछ टूल्स है जहां पे हम उसको बोल सकते हैं, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो आप देखना, ये अशोक लेलैंड पे ही है, फ्री वीडियो है, उसमें आपको आइडिया आएगा एग्जैक्टली कि कहां पे प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक एक बॉटम फॉर्म कर सके। अभी बॉटम फॉर्म कर सके के लिए हमने कभी वो ट्रेंड चेंज होगा वो अभी सीखा है हमने, यस और नो? सो दिस इज द रीजन कि ये एक एरिया है कि जहां पे हमको लगता है कि ये स्टॉक बॉटम फॉर्म कर सकता है, ठीक है। कैन मूव अहेड, और कोई चार्ट देखना है कोई स्टॉक का एनालिसिस? सो योर एनालिसिस शुड बी लाइक डेली चार्ट, वहां पे देखिए ट्रेंड क्या है, अगर उसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो गो फॉर द वीकली चार्ट्स, थोड़ा मीडियम टर्म का पिक्चर दिखेगा। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि जो सी में जो लहरें जो रहती है वो छोटे वेव्स को कैसे, बड़ा जो वेव्स रहेगा वो छोटे वेव्स को लेकर चला जाएगा, तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो रहेगा वो बड़े वेव्स है, तो डेली जो शॉर्ट टर्म्स वेव्स रहेंगे जो ट्रेंड रहेगा वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो सकता है जो उन बड़ा जो टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसके साथ। सो ऑलवेज प्रिफर कीजिए पहले डेली चार्ट चेक कीजिए, डाइसी लग रहा है तो वीकली पे जाइए, वहां पे भी क्लियर नहीं हो जाए तो फिर मंथली चार्ट चेक कीजिए, क्वार्टरली भी कर सकते हो। तो जितना अंदर जाओगे उतना वास्ट सब्जेक्ट है ये हर एरिया में, ठीक है। कुछ देखना है और एक स्टॉक के शैल वी मूव अहेड, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं आई एक्सपेक्टेड कि टाटा मोटर का नाम क्यों नहीं आया अभी तक। दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स, ओके। द जैसे अशोक लेलैंड का अभी एग्जांपल दिया उसमें ऐसा कुछ दिख रहा था ना यहां पे, अब यहां पे ये अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया है करीबन 300 के लेवल से, उसके बाद हमको बहुत बड़ा फॉल दिखा मार्केट में स्टॉक में ये पर्टिकुलरली, तो और इसका जो लास्ट बॉटम था वो भी ब्रेक होते हुए दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ये, तो अभी तो ये स्टॉक ट्रेंड प्रोबेबल ट्रेंड चेंज में भी नहीं आ रहा है, बट उसका हम नेक्स्ट जो एरिया देखते हैं वो एक ये जो एक प्रोबेबल ये जो पीछे का स्विंग लो दिख रहा है 2011 का है ये, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी है 150 के करीब में क्या ये स्टॉक होना चाहिए बॉटम आउट होना चाहिए, अभी देखते हैं क्या होगा कि नहीं होगा, फिर ये भी ब्रेक करके वो DHFL की तरह मूव हो सकता है। और उसको अभी हम थोड़ा नंबर्स में जाएंगे, अगर कोई देख रहा हो तो जब आपको चीजें समझ में आएगी, एक तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां दिखती किन लोग यूज करते, चलो एक एक तो आया, आप नंबर्स देखोगे उसके, उसका मेन रेशियो रेवेन्यू कहां से आता है वो देखोगे, तो सब डाइसी लग रहा है। अभी मेरे को ये डिटेल में नहीं मालूम है ये सब, अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं, बट वो आपको प्राइस पे दिख रहा है। सो मेरे को वो जानना नहीं है कि वो नंबर्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ेगा सेल्स बढ़ेगा, आई डोंट केयर। यहां पे प्राइस मेरे को दिख रहा है साइल फॉलोइड, जो हमने बोला था प्राइस इज सुप्रीम प्राइस नेवर लाइज। सो क्लियर ट्रेंड एनालिसिस क्लियर, यस और नो? अभी 25 चार्ट्स पर डे आज से स्टार्ट, मैंने आपको टूल भी दे दिया है कहां से चेक करना है, वो कौन कौन लोग करेंगे देखो, पहला मेरा ही हाथ रहता है, मैं तो करूंगा ही, इसलिए तो बहुत सारों ने मैडम हैंड रेस किए, आपका जिम्मेदारी अभी चेक करें, होमवर्क देखेंगे हम, ठीक। और कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो आई विल फॉरवर्ड द मेल ऑफ चार्ट आने वाले टाइम में, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रेंड, अभी ट्रेंड सबको आइडिया आ गया है, कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? साइडवेज, इजीएस्ट वे है कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में आप पैसा कमा पाओगे। अभी डाउन ट्रेंड में कमा पाएंगे वो आपको आइडिया है क्यों? शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है? एवरीवन नोज, ओके गुड गुड।
अभी देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सुना है वर्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये क्या आ गया अभी? एग्जैक्टली क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, नॉट अ टेक्निकल टर्म। मेरे फादर का मेरे को सपोर्ट है वो बोल नहीं सकता मैं अभी वैलेंटाइन डे गया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे टर्म्स है, हाँ अभी पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट इज द प्राइस लेवल एट विच डिमांड इज थॉट टू बी स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम डिक्लाइनिंग फर्दर। यहां पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि प्राइस गिर रहा है, मतलब इंसान गिर रहा है तो नीचे कहां अटक सकता है, तो एक बॉटम दिख रहा है हमको, वहां पे वो अटक सकता है। सेम वे में रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज द प्राइस लेवल एट विच सेलिंग इज थॉट टू बी स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। अभी मैं एग्जाम्पल, एक बॉल है मेरे पास क्रिकेट बॉल, उसको मैंने ऊपर थ्रो किया हवा में यहां से इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैक्सिमम उसका लेवल कौन सा रहेगा ऊपर जाने का? द सीलिंग, दैट इज द रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, अगर मैं ऊपर से नीचे गिर गया तो मैक्सिमम पॉइंट अपना रोड रहेगा अर्थ, यहां से नीचे गिरे तो होप सो मेरे को कोई फेंकेगा तो नहीं ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है सिंपल एकदम टर्मिनोलॉजी में। अभी इसको, इसका साइकोलॉजी समझेंगे पहले। दिखे कुछ ऐसे दिखते क्या मार्केट में ऐसे? लेट्स अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट। एक स्टॉक प्राइस है का मूवमेंट है, जहां पे हम देख सकते हैं कि ये बॉटम है, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है और यहां पे एक बॉटम दिख रहा है। ठीक है, ये एक टॉप है, यहां पे टॉप दिख रहा है यहां पे। अभी तीन तरह के लोग रहते हैं मोस्टली मार्केट में पार्टिसिपेंट। एक रहेंगे बायर, सेलर और स्पेक्टेटर, होते हैं ना ऐसे भी, देखने वाले भी होते हैं ना। अगर मैं पहला देखूंगा, पहले प्राइस प्रॉपर मेरे एरिया में मूव होगा तभी मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो क्या होता है कि एक जोन होता है ये वाला, जहां पे एक प्रोबेबल है कि यहां पे एक एंट्री करते हैं कोई इन्वेस्टर, ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर, तो प्राइस में मूवमेंट आएगा और एक पॉइंट पे सेलिंग आएगा। ठीक, और वहां से प्राइस गिरना स्टार्ट होगा। यहां से जिसने बाय किया है वो यहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा, यस और नो? तो प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। तो और यहां पे कुछ ट्रेडर्स ऐसे रहेंगे जो शॉर्ट सेल करेंगे, दोनों सेलर कौन है मालूम नहीं हमको, जिन्होंने बाइंग का एग्जिट किया वो भी सेलर ही है और जिन्होंने फ्रेश सेलिंग किया वो भी सेलर है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है यहां पे, एग्जिट लॉन्ग, एग्जिट लॉन्ग और शॉर्ट सेलिंग। तो जिन्होंने यहां से बाय किया वो यहां से ये पैसा बनेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ा है, और यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे एग्जिट करके। यहां पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, और ये जो पीछे का जो एरिया था वो एरिया एक डिमांड जोन था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ये जो शॉर्ट सेलर थे यहां से वो यहां पे बाइंग करने आएंगे वापस, बिकॉज डिमांड एरिया है। ओके, और जो स्पेक्टेटर रह गए वो यहां से एंट्री करेंगे क्योंकि पिछले पॉइंट पर रह गए हैं यहां पे, अभी यहां पे ट्राई करेंगे कि वापस एंटर करें, तो फिर से स्टॉक प्राइस मूव होगा। सेम वे में ये जो एरिया था वहां पे शॉर्ट सेलिंग होगा, एग्जिट लॉन्ग होंगे, यस। और इस बार जो यहां पे जो स्पेक्टेटर कौन थे, यहां पे कौन रहेगा स्पेक्टेटर? शॉर्ट सेलर्स, कुछ शॉर्ट सेलर्स रह गए होंगे यहां पे, दे आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट मूव, तो यहां पे वापस एक एंट्री दिखेगी आपको, फिर से स्टॉक प्राइस मूव होगा। अभी होता क्या है,
ये स्टॉक प्राइस नीचे आया यहाँ पे और जो प्रीवियस बॉटम था वो ब्रेक कर गया, ये जो प्रीवियस जोन था यहाँ पे वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यस। तो क्या होगा, जो शॉर्ट सेलर्स थे यहां से उनके लिए फायदेमंद है, बट जो यहां से बायर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे, तो वहां वो भी एग्जिट होंगे यहां पे इस लेवल पे। अगर मैंने यहां पे एंट्री की है तो मेरे पास कुछ लेवल होगा जहां पे मैं मेरे प्रोटेक्ट करूंगा मेरे एंट्री को, मेरे पैसे को जो मैंने मार्केट में लगाए, तो वो यहां एग्जिट होंगे और ऊपर से शॉर्ट या और कुछ स्पेक्टेटर ऐसे रहेंगे जो यहां पे रह गए, वो ये बॉटम ब्रेक करने का राह देख रहे थे, तो वो यहां पे एंट्री करेंगे। तो सेलिंग प्रेशर हाई हो गया, एग्जिट लॉन्ग्स हुए, न्यू शॉर्ट सेलर्स आए, ऊपर से ऑलरेडी शॉर्ट सेलर का प्रेशर था। सो दिस इज द रीजन कि ये एक एरिया था प्रोबेबल, जो एक सपोर्ट जोन था वो ब्रेक हुआ और प्राइस फर्दर डिक्लाइनिंग। यस, फिर एक जोन आएगा जहां पे हमको फिर से बाइंग देखने को मिलेगा, यहां से हमको फिर से बाइंग देखने को मिलेगा। यहां पे ऑल शॉर्ट सेलर्स कवर करेंगे लॉन्ग, और कुछ लोग ऐसे स्पेक्टेटर होंगे कि जो अभी मैं एंटर करूंगा एकदम प्राइस लोएस्ट लो पे आ गया है, तो यहां से फिर से एक डिमांड क्रिएट होगी और मूव आएगा। सो दिस वे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट वर्क्स। सोचा था कभी इस तरीके से मार्केट, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं वो ईयर्स तक वर्क कर सकते हैं। जो आपने, मैं अभी एग्जैक्ट मेथड भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से करना है। अगर आपने कुछ 2000 जैसे अभी हमने देखा अशोक लेलैंड का चार्ट और मारुति का कुछ चार्ट था, 2011 का बॉटम था वहां पे, वो सपोर्ट जोन आया और प्राइस अभी वहां पे होल्ड कर रहे हैं। अभी जो पिछला प्रीवियस एग्जांपल देखा तो 2011 मतलब कितने साल हो गए पीछे का, फिर भी वो होल्ड कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल वर्क इन फ्यूचर, यहां से 2029 में भी मैं मारूंगा ना ट्रेंड लाइन तो भी वर्क करेगा वो आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर में भी, वो लेवल्स हमेशा रिस्पेक्ट करेगा ही प्राइस जो भी रहेगा वो, और ये एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है। टेक्निकल में बहुत लोग बहुत बोलते हैं कि एजम्पशंस पे है पूरी दुनिया टेक्निकल होल एनालिसिस, बट आज हमने कुछ भी जो भी सीखा उसमें को आपको कुछ लगा ये एजम्पशन जैसा था? धोखे सबसे पहले जो कोई आप नॉर्मल कोई भी टेक्निकल के कोर्स में जाओगे एनालिसिस के तो एजम्पशंस का एक स्लाइड रहेगा, उसमें प्राइस ये वो सब आ जाएगा, बट मैंने वो नहीं डाला जानबूझ के। बिकॉज क्या होता है, दिस इज अ मेंटल गेम, प्योर मेंटल गेम। अगर एक बार मैंने वो स्लाइड पर दिखा दिया एजम्पशन तो आप कभी भी बिलीव ही नहीं कर पाओगे जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको हैमर हो गया एक फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, डू इट प्रैक्टिस पर 25 चार्ट्स पर डे, एक कॉन्सेप्ट का 25 बोल रहा हूं, दोनों मिला के 25 मत करना। सपोर्ट का दिया है तो सपोर्ट का 25 स्लाइड्स बनाए, रेजिस्टेंस का दिया है तो रेजिस्टेंस के बनाए, और ट्रेंड का दिया है तो अप ट्रेंड के 25 बनाए, डाउन ट्रेंड के 25 बनाइए, तो हो गए 100 चार्ट्स पर डे के। अभी चार्ट्स पे ट्राई करेंगे इसका समझने की। ये टाटा मोटर का जो चार्ट था 2016 का, यह बॉटम था ठीक है, जो यहां पे ब्रेक हुआ है। अभी नेक्स्ट कहां पे दिख रहा है हमको, समवेयर हियर, और वो एरिया है करीबन 140-150 के जोन में, ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट हुआ। अभी ये भी अगर इन केस ब्रेक हुआ तो फिर नीचे फिर कुछ लेवल ऐसा दिख रहा है तो काफी इन्वेस्टर को बॉदर कर देगा। So let's start with the short term charts daily and do it at candlestick pattern. Okay. This is my recent real trade actually. See, this is the area. So sideways one tha and from aur ye dekhiye ek move up move. और ये बहुत स्टार्क अप मूव है, ऑलमोस्ट नियर टू 90 डिग्री पे ही है ऑलमोस्ट,
उसके बाद एक आइडिया ही था कि ये साइडवेज जोन में एंटर कर सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर मैंने काफी पार्टिसिपेट किया है, ये साइडवेज में भी, यहाँ पे भी ये शॉर्ट सेलिंग किए थे, ये किए थे, एंड देन आई हैव डन हियर। यहाँ पे जब एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ तो दिस इज द एंट्री पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और आप देख सकते हो कि प्राइस वो यस बैंक की तरह दिख रहा है, कुछ ऊपर चला गया फिर नीचे आए, फिर ये अभी जब अगर और एक एक बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही पावरफुल है ट्रेडिंग के लिए, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, एरिया जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर स्टॉक प्राइस गया है यहां पे। अगर ये स्टॉक प्राइस एक्चुअली में स्ट्रांग है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन था वो ब्रेक नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम, मतलब ये स्टॉक यहां से बड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अगर ये स्टॉक अगर ऐसे नीचे चला गया होता तो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रांग ब्रेकआउट, और ये सही में पावरफुल है तो ये लेवल को वो टेस्ट करेगा फिर अप मूव देगा। सो आई हैव टू एंट्रीज, वन इज फ्रॉम हियर एंड द अनदर इज जब ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, सो आई विल वेट फॉर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न टू फॉर्म नियर माय ब्रेकआउट रीटेस्ट एरिया। इसको हम ब्रेकआउट रीटेस्ट बोलते हैं, रेंज को ब्रेक किया फिर नीचे रेंज का जो लेवल्स था वहां तक आया और वहां पे डिमांड क्रिएट कर रहा है, गुड बुलिश कैंडलस्टिक दे रहा है, दैट इज माय मेरा कंफर्म हो गया ये कि ये एरिया है वो बुल्स आर वेरी पावरफुल, बेयर्स को वो ग्राउंड एरिया दे ही नहीं रहे। सी द साइकोलॉजी ऑफ बुल्स एंड बेयर्स, अगर बेयर्स पावरफुल रहते तो वो बुल्स को फिर से अपने एरिया में वापस दे फेंक देते, जो नहीं हुआ यहां पे, सिंपल लैंग्वेज में, एकदम प्योर सिंपल लैंग्वेज में, बट वो नहीं हुआ यहां पे। अभी हम इसका ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं, इसका वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूं, तो सीरीज ऑफ हायर टॉप्स चालू हुए यहां पे, अभी लाइन चार्ट करके देख लेते हैं एक बार। देखिए देखने को मिल रहा है ये साइडवेज जोन, और ये बॉटम था, ये बॉटम था, ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, और ये वाला टॉप इसने क्रॉस किया, मैं इसका मीडियम टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। आई विल चेक द मंथली चार्ट, ओके, यहां से टॉप बॉटम बॉटम ये बॉटम, फिर यहां पे एक बॉटम, मतलब ये दो बड़े बॉटम हुए इंटरमीडिएट पूरे ट्रेंड के, जो यहां पे ब्रेक नहीं हो रहा, और अभी देखना है कि ये वाला एरिया जो है ऊपर का ये जोन, अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर ले तो इट्स अ गुड ट्रेंड, अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। और सुना एग्जैक्टली नहीं मालूम, मगर बजट में इसके लिए काफी कुछ अच्छा अच्छा आया है, फार्मर्स के यूपीएल स्टॉक है, खाद बनाता है, ज्यादा डिटेल नहीं मालूम मेरे को, बट कुछ सुना है कि फायदेमंद है इस बजट में, कुछ तो था इसके लिए, तभी से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, ब्रेकआउट भी स्टार्ट हुआ, तभी वो न्यूज बाद में आया, बट हमको प्राइस से ऑलरेडी पता चला था कि अप मूव ऑलरेडी दे चुका था, फिर साइडवेज में गया, उसको साइडवेज में काफी टाइम गया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया और फिर न्यूज भी आ गया साथ में, तो सोने पे सुहागा। इंटरेस्टिंग, जो प्रॉमिस मैंने दिया था दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ समझ में आ पाई आपको, कुछ भी डाउट है तो अभी बताइए, फिर से कुछ और स्टॉक्स हम देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप बताइए कोई स्टॉक, टीसीएस, ठीक है, इसका ये जो एरिया था, अभी एग्जैक्टली हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कैसे करना है। पहले एक छोटा सा, सो हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट्स, ठीक है, तो क्या रहेगा इसके वेरियस मेथड्स है, एक नीचे का सबसे लोएस्ट पॉइंट है फिबोनाची लेवल, जो मैंने आपको अभी एक करके दिखाया एग्जांपल, आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का लोज एंड हाईज को ज्वाइन करके बनाएंगे, आज हम ये देखेंगे। मूविंग एवरेजेस एक टूल है जो भी काम आ सकता है, और ट्रेंड लाइन एक टूल है, ट्रेंड लाइन में जैसे आपको ड्रॉ करके सिखाया अभी वो, तो लेट्स सी ऑन चार्ट्स के हाई लो को ज्वाइन करके हम कैसे कर पाए। यहां पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करता हूं, मेरे को ये पॉइंट को ड्रॉ करना है,
कहाँ कहाँ पे अभी हमको सपोर्ट दिख रहे हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे है ये एक पॉइंट, ठीक है। अभी प्रीवियस हम देखेंगे कि ये स्टॉक प्राइस यहां से बढ़ा, ऐसे यहां पे सपोर्ट लिया, अभी यहां पे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और लोअर टॉप लोअर बॉटम हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं कि लाइन चार्ट करो एक बार, ठीक है। लोअर लोअर टॉप, ये टॉप, ये टॉप ऑलमोस्ट सेम है, ये लोअर है और ये बॉटम नीचे बन गया है, लोअर बॉटम्स बने हुए, ठीक है। सो यहां पे अगर ये स्टॉक प्राइस इस तरह से अगर ये ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे मूव करेगा, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रीवियसली भी वर्क करते हैं, तो पीछे जाके चेक करते हैं एक बार जो अभी के लाइन बनाया है वो। सो देखिए यहां पे है ये प्रीवियस लाइन, रेजिस्टेंस हुआ ये, या विपशॉप भी दिया है एक, सी यहां पे देखिए, आपको छोटा करके दिखाता हूं। अभी का है ये, हमने लाइन यहां से बनाई है ये पॉइंट को ड्रॉ करके, जिसको हम पीछे जाके देखने की ट्राई कर रहे हैं, सॉरी। हमने ये पॉइंट को ड्रॉ करके एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है और हमको देखने को मिल रहा है कि यहां पे ये एरिया था जो रेजिस्टेंस था, और ये टाइम पीरियड है दिसंबर 2018, दो महीने पहले का। ये देखिए नीचे वाला लाइन में भी दिख रहा है यहां पे हमको रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, और ये इंपोर्टेंट जोन गैप के साथ यहां पे फील हुआ था। तो आप पीछे कभी भी ये देखिए, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन था वो सपोर्ट की तरह है यहां पे, मतलब हिस्ट्री में प्रीवियसली बहुत इंपोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ था यहां पे, ये वाले लेवल पे, जो अभी भी ये लेवल का ब्रेक हुआ था 18 अक्टूबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ में, जो अभी भी इंटेक्ट दिख रहा है यहां पे वो एरिया रेजिस्टेंस के तौर। सो दिस हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स। और कोई चार्ट देखते हैं, विल सी आईटीसी फर्स्ट। अरे हम ये इसको वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वीकली चार्ट, इसको हम अभी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस दिख रहा है ये, यस यस सर नो, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट को टच करिए तो यहां पे ये दिख रहा है ये वाला, फिर ये दिख रहा है, ये मैंने ज्वाइन किया, फिर मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम में हमको देखने को मिल रहा है, सी ये वाला जो लाइन था वो यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहां पे, यहां पे, यस। तो आने वाले टाइम में भी ये जो प्रीवियसली इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बैक टेस्ट हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, आप ऐसे ड्रॉ कीजिए लाइन और प्रीवियस जाके चेक कीजिए कि ये लाइंस को इसने कितना रिस्पेक्ट दिया है प्राइस ने। अभी क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक यहां से ये ब्रेक करके आएगा तो ये एक सपोर्ट प्रोबेबल जोन है कि यहां पे अटक सकता है फॉल, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो यहां पे फॉल अटक सकता है, ठीक है। अगर इन केस के यहां से ये अपसाइड मूव हुआ तो ये ऊपर का ये जोन है जो एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और अगर ये वाला लेवल ऊपर ब्रेक होता है तो विल डिफाइन अनदर रेजिस्टेंस एरिया फ्रॉम हियर, ओके। वो भी ब्रेक होता है तो ये वाला एरिया, ये वाले हाई पे। सो अभी इसको मंथली में चेक करते एक बार, जी देखिए जो यहां से ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा था पिछले कुछ टाइम में आपको, अभी क्लियर समझ में आएगा, जो मैंने ऑलरेडी वो लाइंस बना के रखे हैं, अभी इसको थोड़ा लाइव चार्टिंग में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से वो रिस्पेक्ट देता है। सी
रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे, अभी देखना है कि ये लेवल्स कैसे इंटैक्ट हो रहे या नहीं हो रहे। एग्जैक्टली मूव हुआ वहीं से ऊपर के लेवल से ही प्राइस नीचे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, नैरो रेंज, ओके, ब्रेकआउट वो भी फेल हुआ, उसके ऊपर का एरिया भी डिफाइन है। मतलब ये पूरा जो एरिया था वो ब्रेकआउट जोन था, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, और वापस स्टॉक प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वही वही जोन में सपोर्ट ले रहा है। जो प्रीवियसली लाइन थी उसके ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, तो जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस जोन था उसके पास अभी भी इंटेक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कि लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट अभी भी सस्टेनेबल है। अगर ये लेवल्स के नीचे आ जाएगा तो मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट पे देखना पड़ेगा क्या करना है डिसीजन पे। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है वो सबको समझ में आया, या कुछ और एग्जांपल्स ले चार्ट में, हम ले सकते हैं, हमारे पास काफी टाइम है, या फिर क्यू एंड ए भी है हमारे पास, किसी को कुछ क्वेश्चंस हो वगैरह, तो पहले चार्ट एग्जांपल्स और कुछ देखते हैं, या फिर आपको कुछ और कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट आपको कुछ भी पूछना है तो भी पूछ सकते हो। What is your exactly question for Dr. Reddy? It has been covered. See, exactly same support zone. See on the chart. And this is a monthly chart. Okay, I'll draw support line here on the bottom area. Okay, and we'll convert to the short term charts to daily charts. Okay, so here it has fallen down and took exact support on the previous swing low, which was actually monthly charts. So it has shown respect to that level in intraday as well. So this is a powerful example of support and resistance. आप 15 मिनट के चार्ट पे आपने फॉल देखा, वैसे वो डेली में भी दिखता है और 5 मिनट में भी दिखेगा, बट उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, मंथली वाले लेवल पे लिया। So, ऐसा नहीं है कि मंथली चार्ट देखा तो मेरे को 5 मिनट में काम नहीं आएगा, इट विल वर्क, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। सी, और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताया तो ऊपर एक गैप एरिया है, अगर आप दिस इज द गैप एरिया विंडो, जिसको विंडो भी बोलते हैं जापानीज लोग, एंड गैप फॉलिंग जोन, फॉलिंग प्राइस में गैप दिख रहा है, तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जोन आने वाला टाइम में। वहीं पे एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर, ये देखिए, फिर वहां से फॉल देखने को मिला। तो आने वाले टाइम में हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इट विल वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस बिकॉज ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई एरिया है यहां पे। यस बैंक, यस बैंक में जैसे वो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिखाया प्राइस नेवर लाइज, तो ये जो फॉल था उसमें भी हमने कुछ यूज किया था, वॉल्यूम एनालिसिस यूज किया था इसके अंदर प्योरली। दिस इज द रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और वहां से हमको एक फॉल देखने को मिला यस बैंक के चार्ट के। सी द वॉल्यूम्स ऑफ स्टॉक, जब जो प्राइस नीचे आ रहा था
also declining, price decline, volume declining. What it means? Weak hand sellings. Sellers are not powerful. This is the interpretation. आप यहां पे ये जो मुंह दिख रहा है आपको, ये जो अपनो दिख रहा है इतना, यहां पे ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं और ये वॉल्यूम दिख रहा है ऐसे पढ़ते हुए, बट वही सेम वे में जब प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम्स भी डिक्लाइन हो रहा है. यस करेक्ट. अभी देखते हैं. सी लास्ट 3-4 कैंडल वेरी स्मॉल बॉडी मिट्स, मगर रेड है, मगर सेलर्स आर नॉट पावरफुल ड्यू टू कैंडल बॉडी एंड वॉल्यूम. ओके, तो इसमें एक आप YouTube पे मैं देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसका एक एनालिसिस वीडियो डाला था, यस बैंक प्रोबेबल बॉटम करके डाला है, जो कुछ दिन पहले डाला था, और वही 170 लेवल इसका इंटेक्ट रहा. और उसके बाद सी द वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग, दिख रहा है, दिख रहा है ये, और प्राइस नीचे जा रहा है. प्राइस अगर गिर रहा है और वॉल्यूम डिक्लाइन है, जो नहीं होना चाहिए. अगर शॉर्ट सेलर्स है तो वॉल्यूम वेरी हाई रहेगा, ज्यादा रहना चाहिए. सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ गिर रहा है तो उसका मतलब है कि सेलर्स पावरफुल होने चाहिए, बट यहां पे नहीं हो रहा है, सेलर्स पावरफुल है ही नहीं. ओके, अभी क्या होता है देखते हैं. इसमें ये देखिए, बाइंग वॉल्यूम के साथ वन डे 30% मूव था इसके अंदर. बायर सर्किट पे तो ओपन हुआ 20% की. तो दिस वे यू आइडेंटिफाई के वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसमें सपोर्ट भी था, ये वाला लो टच करूंगा मैं तो यहां पे एक सपोर्ट जोन है, ये वाला एक लो को लेंगे तो यहां पे एक सपोर्ट जोन है. इट मींस के ये 176 और ये लो, ये वाला लो 176 और ये वाला लो 169, मतलब ये 5 से 6 रुपए का जोन था, जो एक प्रोबेबल मेरा सपोर्ट एरिया था. प्राइस गिर रहा है मगर वॉल्यूम्स नॉट हाई, इट मींस के सेलर्स आर नॉट पावरफुल. तो आई विल वेट के मेरे को ग्रीन कैंडल मिले या फिर ये सपोर्ट इंटेक का कुछ सिग्नल्स मिले. सपोर्ट इंटेक का सिग्नल कब मिलेगा? व्हाट इज सपोर्ट रोल? सपोर्ट रोल ये है कि प्राइस को जब गिर रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करे अपसाइड पे, बाउंस करे वापस, देन यू कैन से के इट सपोर्ट इज इंटेक्ट. यस और नो? तो सिंपल टेक्निक्स विल मेक अ गुड मनी, अ टन्स ऑफ मनी, बट हम करते हैं एज ए ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी. आप ये दो चीजें सीखे वॉल्यूम में, ट्रेंड एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीन चीजें वेरी पावरफुल, और रॉ डेटा है, एकदम रॉ डेटा है जो मार्केट से मिलता है हमको. प्राइस हमको मार्केट से मिलता है, वॉल्यूम हमको मार्केट से मिलता है. तो जितना रॉ डेटा पे काम करेंगे उतना अच्छा है. अदर टूल्स हम उस पर इंप्लाई कर सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए, बट आप प्योरली इंडिकेटर में आरएसआई यूज करता हूं या फिर मैं बोलिंजर बैंड यूज करता हूं, वो सब प्राइस से ही डिराइव हुए है अल्टीमेटली. तो कोई जल्दी सिग्नल देगा, कोई लैगिंग सिग्नल देगा. तो आप डिसाइड कीजिए कि यूज क्या करना है आपको. पॉपअप आया कुछ? मैंने बोला था एक किक पॉइंट होना चाहिए आज पूरे दिन के अंदर, 2 घंटे के सेशन के अंदर. अगर पॉपअप नहीं आया तो चैलेंजिंग रोल है आपके लिए टेक्निकल. सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट और कुछ मार्केट के बारे में और भी कुछ जानना है? व्यू मत पूछना प्लीज, आई कांट गिव यू ऑन ऑनलाइन, ऐसे भी रजिस्टर्ड हूं मैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं दे पाऊंगा. और कोई पर्सनल स्टॉक के बारे में भी मत पूछिए, एक बार ऑफलाइन हो फिर देखते हैं हम. हाउ टू डिसाइड स्टॉप लॉस? पहले तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा है वो भी इंपॉर्टेंट है. मेंटल स्टॉप लॉस है या टेक्निकल स्टॉप लॉस है, ये आप अवेयर होंगे ये चीज के लिए. तो अगर मूविंग एवरेजेस है वो आप यूज कर सकते हो, बट डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल. इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडल्स लो, वीकली लो, सो वेरी इंपॉर्टेंट हाई एंड लो. और एक यहां पे भी आपको $1 million एक एडवाइस देता हूं, नेवर पुट अ स्टॉप लॉस ऑन हाई और एग्जैक्ट लो, बिकॉज एवरीवन हैज टू पुट देयर. सब पूरे मास पब्लिक ने वहीं लगाया होगा तो ट्रिगर होने के मैक्सिमम चांसेस है. वहां से कुछ एक या दो पॉइंट
स्लाइटली नीचे रखिए, जो ट्रिगर होने के कम चांस है। सो आप कैंडल का लो रख सकते हो या स्विंग्स के लो रख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो फिर उस हिसाब से आपको फिर मूविंग एवरेज इज द बेस्ट टूल, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपका मूविंग एवरेज भी ऊपर ट्रेलिंग होता जाएगा। और जैसे कुछ अच्छा भी स्टॉक हो मारुति जैसे या कुछ लार्ज कैप्स के, तो जब बड़ा फॉल आएगा मूविंग एवरेज ब्रेक होगा और आपका इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, बिकॉज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, हम रहे ना रहे ये तो यहीं रहने वाला है। तो आपको अनदर चांस ऑलवेज मिलेगा, बस वो लेना आना चाहिए, क्योंकि ये आपको रोकेगा। क्योंकि आपने मारुति लिया था 3000 में, आपने बेचा उसका 9000 में, 9000 में, और जब वापस वो ट्रिगर होगा करीब 8000-9000 के करीब एग्जांपल, तो आपका माइंडसेट तो होगा मैं तो 3 में लिया था, अभी इतना महंगा कौन लेगा। ऑलवेज सी स्टॉक मार्केट में जो महंगा है वो महंगा होता ही जाएगा हमेशा, प्रीमियम चीजें हमेशा महंगी मिलती है, मानते हो? मैं तो पुणे सिटी से ही सीखा हूं ये चीजें, बींग फ्रॉम अ सूरत सिटी, प्रीमियम हमेशा महंगे रहेंगे, वो अच्छा ही रहेगा। महंगा महंगा ही होता जाएगा और सस्ता सस्ता ही होता जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जो लोज बना रहे हो, और आज उसका व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आते हैं वैसे कि उसका 2-3 रुपए का भी प्राइस नहीं रहा। और क्वेश्चन? मैडम आपका कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए सॉरी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस बाय जॉन मर्फी, गूगल पे टाइप करोगे पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, लॉट ऑफ एग्जांपल्स है चार्ट्स के साथ, थोड़ा बड़ा है मगर चार्ट्स बहुत सारे हैं उसमें। बट जैसे ट्रेंड एनालिसिस सीखा है आज यहाँ पे, डाउ थियरी उसमें भी है बट बहुत पेच की है और बहुत लेंथी है, तो आप जो सीखे उसको इंटरप्रेट करना ट्राई कीजिए, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारा है, तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है इसलिए ध्यान रखिए, मगर वो बेसिक बुक है एकदम। ठीक है, सो वील फिनिश इट। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को पेशेंसली सुना इतना अच्छे से, और होप सो कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया आपके नॉलेज के अंदर आज। यस और नो? और प्रैक्टिस करना है, हम मेल पे चेक करेंगे। ठीक है, आई फील इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। यस, he talked about amazing concepts like support levels, resistance levels. So I feel everyone has taken a good support of whatever knowledge he gave. And don't resist from studying more and more. Okay, let the resistance level break out. Let you gain more and more knowledge. Okay, and he also talked about the window. So try to peep out of that window and go much, much ahead in this specific aspect of technical analysis. So I feel that everyone has gained a lot from this short 1.5 hour session. Frankly speaking, technical analysis is not that easy to explain. But I feel Yagnesh tried to make it very simple and made it. I hope everyone was understanding, because the way you were answering, I was just trying to analyze that. Otherwise, as a teacher, when I was analyzing everyone's faces, scanning everyone's faces, I can understand that how many have already gone on the sleep mode. But no one had gone on the sleep mode. Everyone was very much active. So I feel a big round of applause for everyone in the class. It was a fantastic session. And on the same note, I would like to thank Yagnesh for coming down from Surat and giving this fantastic session, and also small token of love. Thank you. So I guess Yagnesh, you would like to give your email ID if they want to ask. Yes. So that's his email ID for you. Why? I hope you have understood why I have written this email ID. Wo homework dena hai na unko. Okay. So that is about his email ID. If you want to know about more, matlab agar aapko kuch
आपका कुछ और सेशन था आपने बोला, इट्स इन सूरत. अच्छा, ही हैज सम सेशंस आल्सो कमिंग अप इन सूरत, सो लाइक ही ट्रेवल फ्रॉम सूरत टू पुणे एट अ प्रीमियम प्लेस यू नो, सो एज ऑलवेज. सो इफ यू वर टू गो देयर, आई विल आल्सो गिव माय व्हाट्सएप नंबर on which if you were to inquire about more and more of such sessions, so you can also jot this down. This is my WhatsApp number, it's 7447682586, so you can also contact here. Okay, so well, I guess that's it from our side. Yes, and thank you, and do all the homeworks and submit it on time, right? Thanks, bye.